नए साल में चीन एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। जी हाँ, इस चुनौती का नाम है कोरोना वायरस। वही कोरोना वायरस जिसकी चपेट में आने से लगभग 1000 लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को घोषणा की कि उनके द्वारा कोरोना वायरस को एक अस्थायी आधिकारिक नाम नोवल कोरोना वायरस नमोनिया यानी NCP दिया गया है। दक्षिण चीन के मॉर्निंग पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इस नए नाम की घोषणा की और साथ ही कहा कि इसे चीन में सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। नए वायरस के नामकरण का फैसला इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ वायरस ने किया है। बताया गया है कि वैज्ञानिक पत्रिकाओं के लिए नाम प्रस्तुत कर दिया गया है और जल्द ही इसके घोषणा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।